हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल टिप्स ऑन मैथमेटिक्स। सो आप लोगों में से बहुत सारे बच्चे जो है इस बात का इंतजार कर रहे थे कि कब जो है CUET 2024 का नोटिफिकेशन आउट हो जाए और हम एग्जाम फॉर्म भर ले और अपनी जो तैयारियां है वो हम अच्छे से कर ले। तो देखिए, आप लोगों के लिए बता देता हूँ कि आपको पता ही होगा, कल जो है 27 फेब को जो है नोटिफिकेशन जारी कर दिया है CUET ने, है ना। NTA की ऑफिशियल वेबसाइट में इसको, इस चीज़ को जो है इन्होंने जारी कर दिया है कल, और हमने जो है एक एक्सपेक्टेड डेट भी आप लोगों को बताया था, तो उसके जस्ट दो दिन पहले ही जो है CUET ने इसका जो नोटिफिकेशन है वो जारी कर दिया है, ठीक है ना। और जो एग्ज़ाम डेट हमने बताया था उसमें वही एग्ज़ाम डेट भी इन्होंने जो है किया है, तो एक्यूरेसी बहुत अच्छा है ना। तो कहीं ना कहीं आज जो है इसमें हम चर्चा करेंगे आपसे रिलेटेड ही कुछ क्वेरीज। बहुत सारे बच्चों कमेंट्स आ रहे थे कि सर हमारे जो है क्या क्या चेंजेस हुए हैं इस बार, थोड़ा सा डिटेल में आप एक वीडियो बना दीजिए, तो उस पर जो है आज हम चर्चा करेंगे। तो बहुत बड़ा चेंज इस बार कर दिया है ना, बिग चेंज, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है, बिग चेंजेस इन 2024 एग्जाम, है ना। तो ये 2024 के एग्जाम में बहुत बड़ा एक चेंज जो है, एक स्टेप CUET वालों ने लिया है जो कि आज तक शायद ही किसी भी जो है एग्जाम में लिया गया हो, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कि क्या क्या बड़े से बड़े चेंजेस जो है हमारे इस एग्जामिनेशन में हुए हैं, ठीक है। तो हम हर एक पॉइंट पर अच्छे से डिस्कशन करेंगे और एक एक पॉइंट को हम कवर अप करेंगे, ठीक। देखिए, सबसे पहले बात करते हैं कि नोटिफिकेशन का जो नोटिफिकेशन जो आउट हुआ है वो कैसे कैसे हुआ है। तो सबसे पहले 27 फेब को हुआ है, 27 फेब को जो है, देखिए, ऑनलाइन सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म, ठीक है ना, ऑनलाइन सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म 27 फेब को स्टार्ट हुआ है और 26 मार्च तक जो है इसका लास्ट डेट है, 2024 के 26 मार्च तक, है ना। उसके बाद ट्रांजेक्शन आप लास्ट जो है 26 मार्च तक ही कर सकते हैं, है ना। उसके बाद जो है अनाउंसमेंट ऑफ एग्जामिनेशन सिटी। अब देखिए, आपके नियर बाई जो भी एग्जामिनेशन सिटी होंगे, आप फॉर्म फिलअप करते टाइम बिल्कुल भी गलतियां नहीं करेंगे, है ना। अभी सारी चीज़ें बताऊंगा कि आपको सब्जेक्ट कैसे कैसे चूज करना है, कौन कौन सी यूनिवर्सिटी आप टारगेट कर सकते हैं, तो बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वीडियो के एंड तक आप लोग बने रहिएगा, है ना। उसके बाद जो है जो एग्जामिनेशन सिटी अनाउंसमेंट करेंगे वो हमारा 30 अप्रैल को करेंगे, ठीक है, ये बात का आप ध्यान रखना। एडमिट कार्ड आप जो है सेकेंड वीक ऑफ मई से डाउनलोड कर सकते हैं, जो कि NTA की ऑफिशियल वेबसाइट से ही आप डाउनलोड कर पाएंगे। डेट ऑफ एग्जामिनेशन एग्जैक्ट जो हमने अपने चैनल में बताया था आप लोगों को, 15 मई से 31 मई के बीच में एग्जाम होने तय है, तो वो कंफर्मेशन भी आज आप लोगों को मिल गया है, ठीक है। अच्छा, आगे हम बात करते हैं डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट की। तो इन्होंने जो है बता रखा है 30 जून को जो है एग्जाम का जो रिजल्ट का जो डेट होगा वो डिक्लेयर हो सकता है, बट यहाँ पर टाइम जो है वेरी कर सकता है ना, नेशनल इलेक्शन शेड्यूल के वजह से, ठीक है, डेट में वेरी, ठीक, ये वेरी कर सकता है। तो आगे बढ़ते हैं और हम बात करते हैं कि फॉर्म का फीस, सबसे इंपॉर्टेंट जो बच्चों का जनरल क्वेश्चन रहता है कि सर फीस कितना है, तो मैं बता देता हूँ कि जो जनरल कैटेगरी के बच्चे हैं उनके लिए अप टू 3 सब्जेक्ट्स के लिए तो 1000 रुपये फीस है, 1000 है, लेकिन उसके बाद जो है फॉर ईच एडिशनल सब्जेक्ट, अगर आप 3 सब्जेक्ट से ऊपर की आगे जाते हैं तो उस कंडीशन में जो है आपको पर सब्जेक्ट का 400 रुपये देना पड़ेगा। अभी कितने मैक्सिमम सब्जेक्ट आप चूज कर सकते हैं वो भी मैं अभी आप लोगों को बताऊंगा। ऐसे ही OBC के लिए 900 रुपये है और 375 रुपये जो है हर एक सब्जेक्ट के लिए। SC ST, है ना, जो थर्ड जेंडर है उनके लिए 800 रुपये है फॉर्म का जो फीस है, अप टू 3 सब्जेक्ट तक अगर आप भरते हैं तो 800 रुपये देना पड़ेगा, लेकिन उसके ऊपर अगर आप और सब्जेक्ट उसमें एड ऑन करते हैं एडिशनल, तो उसके लिए आपको 350 रुपये पर सब्जेक्ट का फीस देना पड़ेगा, है ना। सेंटर्स आउटसाइड ऑफ इंडिया, अगर बाहर से, इंडिया के बाहर से अगर कोई देता है तो उसके लिए जो है 4500 रुपये 3 सब्जेक्ट के लिए होगा, और उसके ऊपर अगर कोई सब्जेक्ट का अगर आप भरना चाहते हैं तो 1800 रुपये। तो ये हमारे किसी काम का नहीं है, इस पर हम ज़्यादा चर्चा नहीं करेंगे। फीस आई थिंक आप लोगों को क्लियर हो गया है कि क्या क्या फीस आपको लगनी है, ये सारी चीज़ें आप लोग जो है अरेंज कर लीजिएगा फॉर्म भरने से पहले पहले। अच्छा, अब अगर हम बात करते हैं ब्रॉड फीचर्स क्या है CUET 2024 का, वो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ हम यहाँ पर अभी देखते हैं। देखो, सबसे पहले तो यही क्वेश्चन आ रहा था कि मोड ऑफ एग्जामिनेशन, और ये सबसे बड़ा चेंजेस इस बार के CUET 2024 के एग्जाम में किया गया है, और वो क्या है, वो जो है हमारे सबसे पहला चीज जो इसमें चेंज किया है वो एग्जाम जो होना है, मोड ऑफ एग्जामिनेशन, वो आपके हाइब्रिड मोड में होना है, ठीक है।
हाइब्रिड मोड में होना है। हाइब्रिड मोड इन द सेंस कि आपके जो एग्जामिनेशन है वो आपके सीबीटी, ठीक है ना, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, और आपके जो है ओएमआर, ये दोनों प्रकार से जो है आपके एग्जाम कंडक्ट करवाए जाएंगे। तो वो आप फॉर्म फिलअप करते टाइम आप उसको चूज करिएगा। टेस्ट का जो पैटर्न है, टेस्ट कैसा रहेगा, आपके ऑब्जेक्टिव टाइप विद मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस रहेंगे, एमसीक्यूज रहेंगे, ठीक है। ऑब्जेक्टिव टाइप में जो है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन रहेंगे। अच्छा, उसके बाद बात करते हैं कि जो एग्जाम का जो मीडियम रहेगा, मीडियम में आपको कौन कौन सा है, देखो 13 लैंग्वेजेस है आपके पास, 13 लैंग्वेजेस में जो है आप एग्जाम पेपर को दे सकते हैं, जिसमें हमारा असम, बंगाली, उसके बाद इंग्लिश, गुजराती, हिंदी, कन्नाडा, मलयालम, मराठी, पंजाबी, उड़िया, तमिल, तेलुगू एंड उर्दू, ये कुछ लैंग्वेजेस है। और लैंग्वेज सब्जेक्ट्स क्या है, लैंग्वेज सब्जेक्ट्स टू बी टेस्टेड थ्रू रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, है ना, इन सब में आपके लिटरेचर एप्टीट्यूड, वोकैबुलरी, ये सारी चीजें जो है आपकी आ जाती है। आगे हम बात करते हैं कि अगला जो है हमारा डोमेन सब्जेक्ट, डोमेन सब्जेक्ट एज पर क्लास 12th सिलेबस। और एक बिग इंफॉर्मेशन आप लोगों को मैं दे देता हूं कि हमारे चैनल में जो डोमेन सब्जेक्ट की हम बात कर रहे हैं, मैथमेटिक्स डोमेन सब्जेक्ट जिनका है, वो जो है हमारे चैनल से इसको पूरा पढ़ सकते हैं, क्योंकि हमारे चैनल में इसके वीडियोस अपलोड हो रहे हैं और रेगुलर इसके वीडियोस आ रहे हैं। तो आप लोग अपनी तैयारियों को जारी रखिए, है ना, और चैनल पर नए हैं तो उसको आप लोग सब्सक्राइब भी जरूर करिएगा। उसके बाद देखिए, जो आपको डोमेन सब्जेक्ट है उसको चूज करने के लिए आपके 12th में जो सब्जेक्ट है उसके अकॉर्डिंग आपको चूज करनी पड़ेगी। तो बहुत बच्चों का एक कंफ्यूजन ये है कि सर हमने जो है 12th में पीसीएम लिया है, पीसीएम लिया है और हम बीए करना चाहते हैं। अब यहाँ पर एक बहुत बड़ा कंफ्यूजन है। देखो, बीए अगर आप करना चाहते हो तो बीए मैथमेटिक्स ऑप्शन भी अवेलेबल है, लेकिन अगर बीए में आप इसके अलावा कोई और सब्जेक्ट चूज करना चाहते हैं, लेना चाहते हैं, तो वो यूनिवर्सिटी पर डिपेंड करता है। और बेसिकली ऐसा कुछ होता भी नहीं है, मैं आपको बता देता हूँ, है ना। उसके लिए फिर आपको स्टेट यूनिवर्सिटी या फिर अदर किसी यूनिवर्सिटी में आपको देखना पड़ेगा, क्योंकि जो सीयूईटी है उसके हेल्प से आप सेंट्रल यूनिवर्सिटी और बहुत सारे स्टेट यूनिवर्सिटी में एडमिशन तो ले सकते हैं, लेकिन क्राइटेरिया है एक अलग से, मैं जो है आपको सेपरेट वीडियो में इस चीज़ को मैं बता दूंगा। बाकी यूनिवर्सिटी कौन कौन से वो तो मैं आपको बताऊंगा अभी, ठीक है ना। उसके बाद सिलेबस में आपका एक आता है जनरल टेस्ट, जीटी का पेपर आता है ना, जनरल नॉलेज आता है उसमें, करंट अफेयर्स आएंगे, जनरल मेंटल एबिलिटी आता है, न्यूमेरिकल एबिलिटी, क्वांटिटेटिव, ये सारी चीज़ें हम इसकी तैयारी भी अच्छे से आप लोगों को करवाएंगे। और रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपको एनटीए की पर्सनल वेबसाइट है, ये दे रखा है इन्होंने, रजिस्ट्रेशन विल बी ऑनलाइन एट, ये जो हमारे पास जो लिंक दिया है इस पर आप जो है क्लिक करके फॉर्म को भर सकते हैं, ठीक है। अब चलिए बात करते हैं आगे, नोट यहाँ पर दे रखा है उन्होंने, कुछ नोट ये दे रखा है कि आपको 40 आउट ऑफ 50 क्वेश्चंस आर टू बी अटेम्प्ट इन ऑल सब्जेक्ट्स इंक्लूडिंग लैंग्वेज, द ड्यूरेशन ऑफ द टेस्ट विल बी ऑफ 45 मिनट्स ड्यूरेशन, ठीक है। देखो इसमें बता रखा है कि इंक्लूडिंग लैंग्वेजेस, तो लैंग्वेज को इंक्लूड करने के बाद जो है जो हमारे पास जो हमारे क्वेश्चन पेपर आएंगे वो 50 क्वेश्चन होंगे, जिसमें से आपको 40 क्वेश्चन को पुटअप करने, क्लियर। आगे बढ़ते हैं, एक्सेप्ट इन सब्जेक्ट दैट इज अकाउंटेंसी, इकोनॉमिक्स, फिजिक्स, कंप्यूटर साइंस, इंफॉर्मेटिक्स, है ना, प्रैक्टिसेस, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, अप्लाइड मैथमेटिक्स एंड जनरल टेस्ट, ड्यूरेशन ऑफ द टेस्ट विल बी 60 मिनट। तो ये कुछ सब्जेक्ट है जिसके आपको ड्यूरेशन 60 मिनट का दिया जाता है, क्लियर है। यहाँ तक आई थिंक आप लोगों को समझ में आ गया है। आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ते हुए हम कुछ और भी इंपॉर्टेंट बात पर जो है डिस्कशन करते हैं। देखो इसमें कुछ पॉइंट्स और भी हैं जो कि आपको बताना बहुत ज़रूरी है, तो उस पर हम जो है बात करेंगे। देखो यहाँ पे ये एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट अब हमारे पास आ गया है, जिसमें हमारा जो है एग्जामिनेशन स्कीम की अगर मैं बात करूं तो क्या है एग्जामिनेशन स्कीम। देखिए मोड ऑफ एग्जामिनेशन, मोड ऑफ एग्जामिनेशन की मैं बात करूं तो पहले ही मैंने आपको बताया है सीयूईटी यूजी जो 2024 के एग्जाम है वो कंप्लीटली इन हाइब्रिड मोड। हाइब्रिड मोड में क्या है, पेन पेपर और कंप्यूटर बेस्ड सीबीटी मोड, ये दोनों चीजें हैं। मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन, मीडियम ऑफ द क्वेश्चन पेपर ड्राइंग फ्रॉम द नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, ठीक है, जो न्यू नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है एनईपी है उस अकॉर्डिंग जो है ये बनाया गया है। और इसमें जो है आपके जो यूजी 2024 सीयूईटी अंडर ग्रेजुएट 2024 के जो एग्जाम है विल बी कंडक्टेड इन इंग्लिश, हिंदी, असामिस, बंगाली, गुजराती, कनाडा, मलयालम, मराठी, ओडिया, पंजाबी, तमिल, तेलुगू, 13 जो सब्जेक्ट मैंने आपको बताया इससे पहले गिनाया है
वो अब देखो यहाँ पर आप देख सकते हो कि कौन कौन से एग्जाम सेंटर्स होंगे जिसमें एग्जाम की जो लैंग्वेजेस है वो क्या रहनी है। देखो इंग्लिश लैंग्वेज जो है जितने भी एग्जाम सेंटर्स होंगे उन सभी एग्जाम सेंटर्स में इंग्लिश लैंग्वेज कॉमन रहेगा। इंग्लिश एंड हिंदी ये ऑल एग्जामिनेशन सेंटर इन इंडिया, मतलब ये सारे इंडिया में जितने भी एग्जामिनेशन सेंटर्स होंगे उनमें ये कॉमन रहना है। ठीक है, आगे बात करते हैं इंग्लिश एंड असामिस, ये असम में जितने भी सेंटर है, देखिए जो जो बंगाली है, बंगाली में आपके वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा एंड अंडमान एंड निकोबार आइसलैंड, यहाँ पर आपके इंग्लिश और बंगाली में जो है क्वेश्चन पेपर को दिया जाएगा। गुजरात में गुजराती में रहेगा, कनाडा है ना, कर्नाटक वगैरह में मलयालम, केरला वगैरह लक्षद्वीप में ये मलयालम, जहाँ जो लैंग्वेज जो है बोला जाता है उसी लैंग्वेज में जो है एग्जाम, बाकी इंग्लिश जो है कॉमन लैंग्वेज रहेगा है ना, जिसमें जो है आपको एग्जाम देने होंगे। स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन देखो, टोटल जो सब्जेक्ट्स की अगर मैं बात करूं, टोटल सब्जेक्ट्स की अगर मैं बात करूं तो 61 सब्जेक्ट्स है। ठीक है, यहाँ आपको सबसे इंपॉर्टेंट ध्यान देने वाली बात है, 61 सब्जेक्ट्स है, 33 लैंग्वेजेस है जिसमें 27 डोमेन स्पेसिफिक है एंड एक जनरल टेस्ट है। ठीक है, उसके बाद चॉइस ऑफ टेस्ट पेपर, अब टेस्ट पेपर को कैसे चॉइस करना है ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है। चलिए बात करते हैं चॉइस ऑफ टेस्ट पेपर की। तो देखिए चॉइस ऑफ टेस्ट पेपर में आपके इसमें जो है मैक्सिमम 6 टेस्ट पेपर्स, 4 और 5 डोमेन सब्जेक्ट्स इंक्लूडिंग जनरल टेस्ट एंड 1 और 2 लैंग्वेजेस। देखो आप जो है मैक्सिमम जो पेपर है वो 6 पेपर दे सकते हो, ये बता रखा है कि मैक्सिमम आप 6 पेपर दे सकते हो। 6 में से देखो आपको डोमेन जो है, डोमेन जो आपके 12th में सब्जेक्ट है उसे हम डोमेन बोलते हैं। डोमेन में आप या तो 4 सब्जेक्ट चूज कर लो या तो आप जो है 5 सब्जेक्ट चूज कर लो। ठीक है, और लैंग्वेज में अगर मैं बात करूं लैंग्वेज की, तो लैंग्वेज में अगर 4 चूज कर रहे हो तो आप 2 लैंग्वेज चूज कर सकते हो, और अगर आप 5 चूज कर रहे हो तो आप 1 लैंग्वेज चूज कर सकते हो। तो ये एक कॉम्बिनेशन है सब्जेक्ट का, है ना। और आपको कौन से कोर्स में लेना है, कौन से यूनिवर्सिटी में लेना है, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसका एक सेपरेट वीडियो मैं आप लोगों को बना दूंगा कि किस यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने के लिए क्या क्या सब्जेक्ट आपको चूज करनी पड़ेगी। ये बहुत बड़ी आप लोगों के लिए एक जो है गलतियां बच्चे कर देते हैं, है ना, बच्चों को पता नहीं होता है, तो मैं इसके एक सेपरेट वीडियो आप लोगों को बना करके बता दूंगा। ठीक है, बाकी और भी कोई क्वेरी है तो आप लोग कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं, मैं बिल्कुल आप लोगों को हेल्प करने के लिए बैठा हूँ। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया होगा, आप मैक्सिमम 6 सब्जेक्ट जो है चूज कर सकते हो मैक्सिमम। ठीक है, आपको 6 सब्जेक्ट चूज करना है जिसमें आपके डोमेन स्पेसिफिक में आपको या तो अगर 4 चूज कर रहे हैं तो 2 लैंग्वेज में से चूज करनी है ना, और अगर जो है आप 5 चूज कर रहे हैं तो 1 लैंग्वेज आप चूज कर सकते हो। अच्छा, ये डोमेन स्पेसिफिक जो 5 मैं बता रहा हूँ आपको, इस 5 में एक एक हमारा जीटी भी है, ध्यान रखना, जनरल टेस्ट, इन्हें बता रखा है उन्होंने, डोमेन सब्जेक्ट इंक्लूडिंग जनरल टेस्ट। ठीक है, तो 5 जो है आपके जीटी का पेपर मिला करके 5 है, डोमेन प्लस जीटी। ठीक है, तो ये जो 5 है वो आपके डोमेन प्लस जनरल टेस्ट, ये 2 सब्जेक्ट मिला करके जो है आपके 5 हो रहे हैं। तो ये आपको आई थिंक कॉम्बिनेशन समझ में आ गया कि कैसे करना है। अब क्या क्या सब्जेक्ट लेना उसको मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में, नेक्स्ट वीडियो में आपको कंफर्म बता दूंगा। ठीक है, मीडियम ऑफ टेस्ट 13 लैंग्वेजेस है, वो मैंने आपको क्लियर पहले ही बता दिया। मोड ऑफ एग्जामिनेशन भी आप लोगों को क्लियर मैंने कर दिया है। टोटल क्वेश्चंस की बात है वो भी मैंने आप लोगों को बता दिया। शिफ्ट है ना, शिफ्ट एंड ड्यूरेशन, इट इज प्रपोज दैट द पेन एंड पेपर मोड, देयर मे बी 3 शिफ्ट इन अ डे ऑफ अबाउट 2 आवर्स ड्यूरेशन। ठीक है, तो ये चीज है आपका कि अगर पेन पेपर मोड में है देयर मे बी 3 शिफ्ट, है ना, तो 3 शिफ्ट में आपके एग्जाम्स हो सकते हैं। अब लैंग्वेजेस की बात करें तो 33 लैंग्वेज एंड 27 सब्जेक्ट्स है, जिसमें आपके 40 क्वेश्चंस टू बी अटेम्प्ट आउट ऑफ द 50 इन ईच लैंग्वेज। जनरल टेस्ट में आपके 50 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करनी है ना आउट ऑफ 60 क्वेश्चंस। ठीक है, तो ये चीज आपको क्लियर होनी चाहिए। ठीक, और कुछ इंपॉर्टेंट जो कि सिलेबस के बारे में तो मैंने ऑलरेडी आप लोगों को बता दिया है, एलिजिबिलिटी आपको इसकी रिक्वायरमेंट नहीं है, और मुझे ऐसा लगता है कि अब बहुत सारी जो इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट बातें थी वो हमने अच्छे से डिस्कशन कर लिया है। तो किसी प्रकार का और डाउट है, कुछ और जो है आपको पूछना है तो वो आप लोग पूछ सकते हैं। एक लास्ट में मैंने आपको बताया था कि जो है आपको मैं जो कॉलेजेस की है इसमें लिस्ट, वो मैं आप लोगों को एक बार बता देता हूँ। देखिए इसमें एक एग्जाम शेड्यूल ऑफ एग्जामिनेशन भी हमारा आ रहा है,
जिसमें डेट ऑफ एग्जामिनेशन 15 से 31 मई के बीच में बता रखा है, मोड ऑफ एग्जामिनेशन आपके पेन पेपर में ऑफलाइन में और सीबीटी ऑनलाइन मोड में होनी है। स्लॉट में 3 स्लॉट दिए हैं, शिफ्ट 1, शिफ्ट 2, शिफ्ट 3 है ना। टाइमिंग ऑफ एग्जामिनेशन और ड्यूरेशन ऑफ एग्जामिनेशन टू बी नोटिफाइड लेटर, ये बाद में बता देंगे तो मैं आप लोगों को वो चीजें जो है बता दूंगा, ठीक है। अब बात करते हैं अगला जो है सबसे इंपॉर्टेंट, आपको यूनिवर्सिटीज की थोड़ी लिस्ट के बारे में जानकारी होनी चाहिए, कौन कौन से यूनिवर्सिटी में जाने हैं, है ना, और आप कौन से यूनिवर्सिटी में जाने की इच्छुक है वो आप मुझे कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं। कुछ अगर यूनिवर्सिटी से रिगार्डिंग पूछनी है तो वो भी आप लोग मुझे बता सकते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम बात करते हैं ऑफिशियल वेबसाइट जो है, जो कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट CUET 2024 के हमने ऑफिशियल वेबसाइट है, आप लोग देख सकते हैं इसका इंटरफेस। और यहाँ से जब आप इंटरव्यू सेक्शन में आएंगे तो आप इस पेज पर जो है एंटर कर जाएंगे, और इस पेज पर आपको जो यूनिवर्सिटीज है उसकी लिस्टिंग, पार्टिसिपेटिंग यूनिवर्सिटीज, कौन कौन सी यूनिवर्सिटी पार्टिसिपेट कर रही है देखो, वो है अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, असम यूनिवर्सिटी, ऐसी बहुत सारे तमाम यूनिवर्सिटीज के जो है लिस्ट है, है ना। तो आपको कौन सी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है, उस पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी को जब आप क्लिक करेंगे, जैसे लेट सपोज कि आपको दिल्ली यूनिवर्सिटी टारगेट कर रहे हैं, और अगर इस यूनिवर्सिटी में आपको जो है एडमिशन लेना है तो सबसे पहले तो इस पर क्लिक करके आप देख सकते हो कि अगर आप इन केस अगर आप बीएससी ऑनर्स में एडमिशन लेना चाह रहे हैं तो डिग्री आपका बीएससी ऑनर्स है, प्रोग्राम एंड कोर्स ऑफर्ड में क्या कह रहा है, बीएससी ऑनर्स है ना, एंथ्रोपोलॉजी की बात कर रहे हैं, जिसमें डोमेन सब्जेक्ट में आपको जो देखिए हर एक जो यूनिवर्सिटी है उनका जो रिक्वायरमेंट है, सब्जेक्ट रिक्वायरमेंट है वो अलग अलग है, तो इसीलिए आप पहले यूनिवर्सिटी को अच्छे से देख लीजिए कौन कौन से सब्जेक्ट वो मांग रहा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फिजिक्स मांग रहा है, केमिस्ट्री मांग रहा है, बायोलॉजी है ना, बायोलॉजिकल स्टडीज, बायोटेक्नोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, एनी वन लैंग्वेज, ठीक है ना, इनमें से कोई लैंग्वेज आपके पास होना चाहिए, ये जो है किसी जो है इनमें से कोई एक सब्जेक्ट आपको डोमेन स्पेसिफिक में होना चाहिए। एलिजिबिलिटी फॉर द प्रोग्राम, ठीक है, एलिजिबिलिटी क्या है, कैंडिडेट मस्ट अपियर इन CUET इन द फॉलोइंग सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन फिजिक्स प्लस केमिस्ट्री प्लस बायोलॉजी, ये तमाम सारे डिटेल्स में आपको यहाँ पर दिया गया है, ठीक है। तो होप कि आप लोग यहाँ से देख लेंगे सारी चीज़ें, है ना, और बहुत सारी यूनिवर्सिटीज है, स्टेट यूनिवर्सिटीज भी है, इसका एक सेपरेट वीडियो मैंने ऑलरेडी पहले ही बना रखा है, तो वहाँ से भी आप लोग देख सकते हो, लिस्ट मैंने डिस्कशन भी किया था। किसी भी यूनिवर्सिटी में आपको एडमिशन लेना है उस पर आप क्लिक करके, आप जैसे BHU में आपको एडमिशन लेने के सोच रहे तो वहाँ भी आप लोग जो है तमाम सारे कोर्सेज है और वहाँ आप लोग देख सकते हो कि जैसे BSc में लेना है, BTech में लेना है तो उसके लिए अलग अलग क्राइटेरिया है, अलग अलग सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन है, तो वो आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। आप कौन सी यूनिवर्सिटी टारगेट कर रहे हैं मुझे कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं, ठीक है। और ये वीडियो आई थिंक इन्फॉर्मेटिव है आप लोगों के लिए, मुझे ऐसा लगता है मैं अच्छे से आप लोगों का जो डाउट्स है वो क्लियर कर पाया हूँ, और बाकी डोमेन सब्जेक्ट के बारे में बता दिया है मैंने, डोमेन सब्जेक्ट का जो लेक्चर है मैथमेटिक्स का वो मैं अपलोड कर रहा हूँ, और उसका जो वीडियो है वो आप लोग देख सकते हो, ठीक है। थैंक यू सो मच।